एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर और स्वागत है आपका एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के उस सर्वे में जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देश और प्रदेश का फिलहाल मूड क्या है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिनके बारे में आपके मन में भी सवाल होगा कि उन्हें लेकर फिलहाल यूपी का मूड क्या है। तो चलिए सर्वे देखते हैं और समझते हैं कि बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ का काम यूपी की जनता को कितना पसंद आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी में योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए और अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने इसे लेकर बड़ा सर्वे किया है, जिसमें हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर फिलहाल यूपी का मूड कैसा है और प्रदेश में सीएम योगी की लोकप्रियता का ग्राफ क्या कुछ कह रहा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि कितने प्रतिशत लोग सीएम योगी के काम से बहुत खुश है। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे के मुताबिक यूपी में 45% लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के काम से बहुत खुश है। अब आपको बताते हैं कि कितने फीसदी लोग सीएम योगी के काम से खुश है। तो सर्वे में ये आंकड़ा 23% लोगों का सामने आता, यानी 23% लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के काम से खुश है। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि कितने फीसदी लोग सीएम योगी के काम से नाखुश है। तो एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 32% लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के कामकाज से नाखुश दिख रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली कि अगर आप सीएम योगी के काम से खुश और उनके काम से बहुत खुश लोगों की तादाद को जोड़ दें, तो यह आंकड़ा 68% पर पहुँच जाता है। यानी कि यूपी में 68% लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के कामकाज से खुश हैं और ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के सीएम बने, जबकि सीएम योगी के कामकाज से नाखुश लोगों का आंकड़ा महज 32% है। यानी सिर्फ 32% लोग ही ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि सीएम योगी 2022 में यूपी के सीएम बने। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें तो यही साफ दिख रहा है कि सीएम योगी की अगुवाई यूपी की जनता को पसंद आ रही है। तो देखिए, ये तो बात रही सीएम योगी की। अब रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उत्तराखंड के लोगों से भी बात की और समझने की कोशिश की कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड की जनता का क्या नजरिया है और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ क्या कुछ कहता है। तो चलिए सर्वे के जरिए आपको भी समझाते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह को लेकर उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 2017 में भाजपा की सरकार बनी और सीएम बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड के सीएम के तौर पर कामकाज संभाला। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में हमने उत्तराखंड के लोगों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर उनकी राय क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से बेहद खुश है। सर्वे की माने तो 27% लोग ऐसे हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से बहुत खुश हैं, वहीं पर 23% लोग ऐसे हैं जो कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से खुश हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से नाखुश लोगों की, तो ये आंकड़ा 50% पर पहुंच जाता है। यानी 50% लोग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से नाखुश हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से खुश और बहुत खुश लोगों की तादाद को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। यानी उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत के कामकाज से जहां पर 50% लोग खुश हैं, तो वहीं पर 50% लोग इसे लेकर नाखुश हैं। 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उत्तराखंड की जनता का मूड क्या कुछ बयां कर रहा है। जहां पर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर का सर्वे बता रहा कि यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकप्रियता का ग्राफ 50% तक है और 50% लोग फिलहाल उनके कामकाज से नाखुश नजर आ रहे हैं।
तो यूपी और उत्तराखंड के सीएम की बात तो हो गई, अब आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी को लेकर यूपी की जनता का क्या कहना है और यूपी की जनता उन्हें लेकर क्या सोचती है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें ये भी जानने की कोशिश की गई है कि फिलहाल यूपी की जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कहां पर है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी उनके करिश्मे से ही बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा 2019 में हुई, जहां और ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापसी की। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। लोगों को पीएम मोदी की नीतियां और फैसले बेहद पसंद आए, तो वहीं 2017 में देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में भी विधानसभा के चुनाव हुए, तो केंद्र की नीतियों को देखते हुए यूपी की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया था। वहीं यूपी की जनता ने लोकसभा की 62 सीटें भी भाजपा की झोली में डाल दी थी। इस बीच एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने भी पीएम मोदी के कामकाज को लेकर यूपी की जनता का मिजाज जाना और इसके लिए एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने सर्वे किया। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी की जनता प्रधानमंत्री के लिए फैसलों और काम से कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। दरअसल सर्वे में सबसे ज्यादा 46% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए गए फैसले और नीतियों पर यूपी के 46% जनता ने दिल खोलकर अपनी मुहर लगा दी, यानी जो सर्वे हुआ उसमें 46% लोग प्रधानमंत्री की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं सर्वे में 16% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज और उनके फैसलों को लेकर खुश नजर आए, यानी 16% जनता प्रधानमंत्री के अब तक के कामकाज से सिर्फ संतुष्ट है। वहीं पिछले करीब 8 सालों में प्रधानमंत्री ने जो काम किए उसको लेकर सर्वे में शामिल यूपी के 16% लोगों ने अपनी मुहर लगाई है, लेकिन इसके साथ ही सर्वे में 38% लोगों ने प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर नाखुशी जाहिर की है। 38% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री का कामकाज आशा के अनुरूप नहीं रहा है, यानी कुल मिलाकर एबीपी गंगा और सी वोटर ने जो यूपी में सर्वे किया उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के काम से 46% लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कहां पर है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उत्तराखंड में जो सर्वे किया उसमें ये समझने की कोशिश की है कि पीएम मोदी के काम से उत्तराखंड के लोग कितने संतुष्ट या फिर कितने असंतुष्ट हैं। आप भी देखिए और समझिए कि फिलहाल उत्तराखंड के लोगों का मिजाज क्या कह रहा है। ऐसी किस्मत किसी किसी को ऊपर वाला देता है, देता देता है। यह भारत माँ का बेटा है, यह भारत माँ का बेटा है। उत्तराखंड की सत्ता में हमेशा दो दल सक्रिय रहे, भाजपा और कांग्रेस, और बारी बारी से सत्ता में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे, लेकिन जिस तरह से 2014 में भाजपा की हवा चली और सत्ता में भाजपा आई उसके बाद उत्तराखंड में भी सियासी मौसम बदलने की पूरी उम्मीद थी। 2017 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई और इस जीत में केंद्र की ओर से उठाए गए सशक्त कदमों का अहम योगदान रहा। मोदी सरकार की नीतियों पर उत्तराखंड की जनता ने भी भरोसा जताया और 2017 में उत्तराखंड में भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता साफ किया, तो वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड ने अपनी सारी सीटें भाजपा के खाते में डाल दी थी, यानी सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नजर आई थी। लेकिन इस बीच एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उत्तराखंड की जनता का मूड भांपने के लिए सर्वे कराए। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने मिलकर उत्तराखंड में सर्वे किया जिसमें उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर लोगों की राय ली गई। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की जनता का मिजाज क्या कहता है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में
46% लोगों ने प्रधानमंत्री के कामकाज पर पूरा भरोसा जताया। 46% लोगों ने प्रधानमंत्री के काम, उनकी नीतियों और फैसलों पर बेहद खुशी जाहिर की। यानी जो काम प्रधानमंत्री कर रहे वो उनकी नजर में बिल्कुल ठीक है। वहीं सर्वे में शामिल हुए 27% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से सिर्फ खुश हैं। यानी अब तक प्रधानमंत्री का कामकाज उनके लिए ठीक रहा। तो वहीं सर्वे में शामिल उत्तराखंड के 27% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश नजर नहीं आ रहे। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यूपी में सर्वे किया। राहुल गांधी 2019 से पहले यूपी के अमेठी से ही लोकसभा सांसद थे। ऐसे में हमने सर्वे में समझने की कोशिश की कि राहुल गांधी को यूपी की कितनी प्रतिशत जनता अपना नेता मानती है और कितने प्रतिशत लोगों को अभी भी उनके काम पर भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से हाशिए पर है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये स्थिति कितनी बदली है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे राहुल गांधी को लेकर क्या है प्रदेश का मूड और राहुल गांधी के मौजूदा कामों को लेकर क्या सोचती है यूपी की जनता, इसको लेकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय ली, जिसमें राहुल गांधी के काम से जनता कितनी खुश है और अगर अभी चुनाव हुए तो जनता उन्हें मौका देगी या नहीं, सूबे में उन्हें लेकर क्या संभावनाएं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे गए, जिसमें प्रदेश की 21% जनता ने बताया कि वो राहुल गांधी के काम से बहुत खुश है, जबकि 24% जनता उनके काम से खुश है, लेकिन वहीं 47% जनता राहुल गांधी के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं 8% लोगों का कहना है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि राहुल के काम से 45% जनता खुश है, लेकिन 47% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाना है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे से साफ है कि उन्हें अभी यूपी में जगह बनाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ कैसा है, ये जानने की कोशिश एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में की गई। आप भी देखिए और समझिए कि राहुल गांधी पर उत्तराखंड के लोगों ने कितना भरोसा जताया है और कितने लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है। भले ही यूपी में कांग्रेस कमजोर हो, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यहां पर फिलहाल कांग्रेस अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। ऐसे में एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यहां भी जनता के बीच जाकर समझने की कोशिश की कि राहुल गांधी को लेकर उनका क्या कहना और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ उत्तराखंड में क्या कहता है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने इसे लेकर उत्तराखंड के लोगों से बात की तो पता चला कि सिर्फ 16% लोग ही ऐसे हैं जो राहुल गांधी के काम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के काम से खुश लोगों की तादाद महज 11% है। वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी के काम से नाखुश लोगों की तादाद 69% है। यानी कि 69% लोगों को राहुल गांधी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में ये साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे आ गया है। 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह से राहुल गांधी से यहां के 69% लोग नाखुश दिख रहे हैं, उससे फिलहाल कांग्रेस की मुश्किल तो बढ़ती ही दिख रही है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में पहले ही बगावत और आपसी कलह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड में 69% जनता राहुल गांधी को भी पसंद नहीं कर रही है, तो इससे पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। स्वागत है आपका। तो एबीपी नेटवर्क और सी वोटर का जो सर्वे है लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने मिलकर सबसे बड़ा सर्वे किया है और यूपी की जनता से विधायकों के काम को लेकर राय मांगी। आइए आपको दिखाते हैं अपने विधायकों के कामकाज को लेकर क्या सोचती है यूपी की जनता।
देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था और भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक चुने गए थे और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और एक बार फिर से यूपी चुनाव की तहरी पर आकर खड़ा हो गया है। एक साल बाद यानी कि 2022 में यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधायकों को अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता को देना होगा, क्योंकि चुनाव ही जन प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड होता है और उसी आधार पर तय होती है उसकी हार और जीत। इस बीच एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने मिलकर यूपी में विधायकों के कामकाज को लेकर जनता के मिजाज को समझा और एक बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में यूपी की जनता से पूछा गया कि आप अपने विधायक के काम से कितने खुश हैं। आइए अब आपको इस सर्वे के नतीजे भी बताते हैं। दरअसल सर्वे में शामिल यूपी के 36% लोग अपने विधायकों के कामकाज से बेहद खुश हैं, यानी पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं। वहीं 20% लोग अपने क्षेत्रीय विधायक के काम से सिर्फ खुश नजर आए, यानी जो क्षेत्र में विकास के काम कराए गए उसे लेकर 20% लोग खुश हैं, लेकिन लोगों में विधायकों को लेकर नाराजगी ज्यादा देखने को मिली है। सर्वे में शामिल 39% लोगों ने विधायकों के कामकाज पर अपनी नाखुशी जाहिर की है, यानी वो अपने विधायक के कामकाज से खुश नहीं है। वहीं 5% लोगों ने विधायक के कामकाज को लेकर कहा कि वो कह नहीं सकते हैं कि विधायक का कार्यकाल कैसा रहा। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी अगले साल ही चुनाव होने हैं, जिसमें विधायकों के कामकाज को देखकर ही लोग वोट डालेंगे और पता लगेगा कि जनता का मिजाज क्या है। लेकिन चुनावों से एक साल पहले क्या है उत्तराखंड की जनता का मूड, ये जानने के लिए एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने किया सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें उत्तराखंड के विधायकों के कामकाज को लेकर पूछा गया सवाल। तो देखिए अपने विधायकों को लेकर क्या है उत्तराखंड की जनता का। क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो सदन में अपनी बात रखता है, विधानसभा में अपने हक की बात करता है। 2017 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया। चुनाव हुए 4 साल बीत चुके हैं और अगले साल यानी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो विधायकों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन उसके पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें उत्तराखंड की जनता से विधायकों के काम को लेकर राय जानी गई। आइए आपको बताते हैं कि विधायकों को लेकर क्या है उत्तराखंड की जनता का मिजाज। दरअसल एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उत्तराखंड की जनता से अपने सर्वे में सवाल पूछा था कि आप अपने विधायक के काम से कितना खुश हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 39% लोगों ने विधायकों के कामकाज पर खुशी जाहिर की है, यानी कि 39% लोग अपने क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से बेहद खुश हैं, तो वहीं 21% लोग अपने विधायक के काम से सिर्फ खुश नजर आए, तो वहीं 35% लोग अपने विधायक के काम से बिल्कुल खुश नहीं है, यानी विकास के काम में उनके विधायक 35% लोगों की नजर में फिसड्डी साबित हुए हैं। वहीं 5% लोगों का कहना है कि विधायक के कामकाज को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए विधायकों के बाद अब बारी आती है सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की। जी हां, यूपी के सांसदों के कामकाज से जनता खुश है या नहीं, ये एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने अपने सर्वे के जरिए जानने की कोशिश की। सर्वे के जरिए हमने सांसदों को लेकर यूपी के जनता के मूड को समझा और अब आपको भी बताते हैं कि कितने फीसदी लोगों को अपने सांसदों का काम पसंद आ रहा है और कितने फीसदी लोग अपने सांसद के काम से नाखुश हैं। यूपी सरकार के कामकाज के सर्वे के बाद अब यूपी के उन सांसदों के काम की बात करते हैं, जिन्हें जनता ने अपने वोट से चुना और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेज दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इन 2 सालों में यूपी के सांसदों ने अपने शहर में कितना काम किया और जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरे, ये अपने सर्वे में हमने जानने की कोशिश की। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उन सांसदों के कामकाज के बारे में लोगों से जानने की कोशिश की। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने सांसद के काम से बेहद खुश हैं। यूपी में अपने सांसद के काम से बहुत खुश लोगों की तादाद 28% है। वहीं सर्वे की माने तो उत्तर प्रदेश में 23% लोग ही ऐसे हैं
जो अपने सांसद के काम से सिर्फ खुश हैं। लेकिन जब हमने ऐसे लोगों की राय ली जो सांसद के काम से बिल्कुल खुश नहीं है तो यह आंकड़ा 41% तक पहुंच गया, जबकि 8% लोगों ने इस पर कुछ बोलने से ही मना कर दिया। मतलब हमारे सर्वे में यूपी की 51% जनता अपने सांसद के काम से खुश नजर आई, लेकिन 41% जनता को अपने सांसद का काम पसंद नहीं आया। वहीं अभी लोकसभा चुनाव को महज 2 साल पूरे हुए हैं और इतने कम समय में अपने सांसद के काम से नाखुश होने वालों का आंकड़ा 41% तक पहुंच गया। हो सकता है कि आने वाले 3 सालों में इस आंकड़े में और इजाफा हो और ऐसे में सांसदों को अपने शहर में और काम करने की जरूरत है। यूपी के बाद बारी है उत्तराखंड के सांसदों की। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यहां पर भी सांसदों के कामकाज का जायजा लिया। आप ही देखिए कि अपने सांसद के काम पर क्या कहना है उत्तराखंड की जनता का और सांसदों को लेकर कैसा दिखा जनता का मन। हमने यूपी के शहर शहर जाकर सांसदों के कामकाज का सर्वे किया और जनता की राय ली। ठीक इसी तरह से हमने उत्तराखंड के सांसदों के कामकाज के बारे में भी लोगों की राय जानी। लेकिन लोगों की राय बताएं उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें भाजपा ने जीती थी। मतलब यूपी की तरह ही उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तराखंड के लोगों को कितना मिल रहा है, देवभूमि के लोग अपने सांसदों के काम से कितने खुश हैं, यह हमने लोगों से जानने की कोशिश की, जिसमें हमें 24% लोगों ने बताया कि वो अपने सांसद के काम से बहुत खुश हैं। वहीं हमारे सर्वे में 23% लोग ऐसे थे जो अपने सांसद के काम से सिर्फ खुश नजर आए, लेकिन सांसद के काम से नाखुश होने वालों की संख्या 46% थी, जबकि 7% लोगों ने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में सांसदों के कामकाज से खुश और नाखुश का आंकड़ा 50-50 नजर आया है। मतलब जितने लोग सांसद के कामकाज से खुश नजर आए उतने ही लोग नाखुश भी नजर आए। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए और 2 साल में ही सांसदों के काम से नाखुश रहने वालों का ये आंकड़ा सांसदों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा, क्योंकि भाजपा सांसद की इच्छुक विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए मौका बन सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।